हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी प्ले एंड लर्न। तो अभी न्यू ईयर के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग करने, विंटर शॉपिंग। तो अभी भी न्यू ईयर वीक चल रहा है, तो काफ़ी लाइटिंग वगैरह हुई हो रखी है, क्योंकि क्रिसमस के पहले तो हम आए नहीं थे, क्योंकि मेरे फिंगर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से। तो अभी हम इसके बाद आए हैं शॉपिंग करने। तो अभी शायद हो सकता है डिस्काउंट वगैरह भी है काफ़ी कुछ इसमें इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या विंटर क्लॉथ पे कितनी शॉप में डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। तो अभी तो अंदर आ गए हैं, काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, कुछ मछली वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी है मॉल की, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हम भी अपना घूम रहे, क्योंकि अभी इधर आए नहीं थे, तो फिर अच्छा हम भी सोचे पूरा देख लेते हैं और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ना जी। ये क्या है? ये क्रिसमस ट्री है अभी। हाँ देखो मम्मा वॉक कर रही है ना। ये देखो ऊपर भी लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हेलो। हाँ दीदी। अभी हम यहाँ ऊपर वाली फ्लोर पर, जब एंट्री करो तो ये फर्स्ट फ्लोर होता है, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना होता है, तो घर भी स्टोर्स हैं। तो अब उसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये स्केलेटर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से रिकॉर्ड करना, नीचे वाला भी काफ़ी सुंदर आ रहा है। तो ऐसा लगे पिछले साल इतना अच्छा नहीं सजा हुआ था, बट इस साल ज़्यादा अच्छा सजा हुआ है। और ये तो आदि और विवान का फेवरेट प्लेस है खेलने के लिए। तो यहाँ भी जब भी आ जाते हैं ये लोग, वैसे जनरली पार्क में जाते हैं हम लोग, यहाँ भी आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इधर तो और सजा हुआ है, ट्री लगी हुई है बड़ी सी। इधर आ गया मेरे सामने सबवे, और इधर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे है काफ़ी बेकरी शॉप्स वगैरह हैं, और नीचे खाने पीने का ही ज़्यादा है, और DM वगैरह है, और ग्रोसरी स्टोर है। और इधर ये काफ़ी अच्छा फैंसी सजा हुआ है, बड़े बड़े टेडी बियर बने हैं, बड़े बड़े ट्री लगी हुई है क्रिसमस की, और काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, और इस बार तो डेस्क भी लग गया है। और इधर ये वाटर एरिया है, और मेरे सामने जो एरिया है वो क्या कहते हैं, किड्स का लगा हुआ है, पेंटिंग और बोट और कार ये सब लगा हुआ है उसके खेलने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे को लेके आते हैं तो काफ़ी स्पेसियस है और अच्छे से खेल सकते हैं बच्चे। इधर नीचे लगातार बेकरी शॉप्स हैं, थोड़ी महंगी पड़ती हैं बट क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। और सामने भी इधर इस साइड भी बच्चों के लिए एक दो आइटम्स लगे हुए हैं, लाइक ट्रेन एंड कार है, एरोप्लेन है। ये हम पहुंच गए टैडी, और यहाँ पे सबसे अच्छी डील चल रही है, 70% ऑफ चल रही है न्यू ईयर और क्रिसमस आइटम पे। तो यहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बट विवान के लिए बॉटल लिया और कुछ क्रिसमस के कार्ड दो सामान ले लिए हैं। और यहाँ से हम निकल के बाहर आए, यहाँ भी अच्छी सेल लगी हुई है, तो इस टाइम अच्छी डील चल रही हुई है शूज़ वगैरह पे भी, तो आप शूज़ वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी मैं प्राइमार्क को अप्रोच कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं प्राइमार्क के अंदर आ गई, और यहीं से शॉपिंग करना मुझे विवान अदवी और अपने लिए सबके लिए शॉपिंग करनी है, पूरी फैमिली के लिए। तो देखते हैं, बट अच्छी डील चल रही है। ये 15 यूरो का स्वेटर है, अच्छा था, अच्छा है आई मीन। और एक्सल साइज लगा हुआ है इधर, और 10 यूरो के भी अच्छे अच्छे स्वेटर दिख रहे हैं। ये देखिए 10 यूरो का स्वेटर है, और काफ़ी अच्छा है, बट लिया है नहीं मैंने। आगे चलते हैं, तो इधर ये 14 यूरो का लगा हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ जैसे टेरी विजी टाइप के बने होते हैं, मिक्की माउस वगैरह, और थोड़े महंगे हैं, 14 यूरो का है। और इधर ये वाले इसमें ऑफर थे काफ़ी, जैसे लाइक 20-30% कुछ स्वेटर्स पे थे, तो मैंने इधर से एक लिया है वैसे। ये 7 यूरो का शख्स था, और इधर तो हाफ़ टी शर्ट वगैरह लग रही हैं, जो कि 3-4 यूरो की मिल जा रही हैं, तो अच्छी डील, बट महंगा हो गया है काफ़ी, पहले 3 यूरो में मिल जा रहा था, अभी 380 का हो गया है, तो कुछ 1-2 यूरो का बढ़ गया है। और इधर ये टॉप वगैरह ऑफर में चल रहे हैं, लाइक जो 10 यूरो का वो टॉप था वो अभी 5 यूरो में मिल जा रहा है, और कुछ 10-7 में मिल जा रहे हैं, तो ऐसे ऑफ चल रहे हैं। जीन्स वगैरह भी काफ़ी मतलब चल रहा है ऑफर। और ये जो फैंसी ड्रेस है ये 15 यूरो का था, अभी ये 10 यूरो में मिल रहा है, तो इसको आप ले सकते हो। इस टाइम थोड़ा थोड़ा ऑफर चल रहा है,
और ये कोट भी 40 यूरो का था जो कि अब 35 यूरो में मिल जा रहा है। तो थोड़ा सा है मतलब ऑफर वगैरह चल रहा है तो अभी शॉपिंग करने लायक है। मैंने भी कुछ कुछ शॉपिंग कर ही लिया है तो कर रहे हैं धीरे धीरे। और अभी वैसे विवान और रद्वी की मेनली मुझे शॉपिंग करनी है तो अभी इसके बाद हम चलेंगे किड्स सेक्शन में और वहाँ से विवान और रद्वी के लिए शॉपिंग करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। तो अभी ये ऊपर आ गए हम ये सेकेंड फ्लोर पर और ये किड्स सेक्शन है तो यहाँ से पिक करेंगे हम कुछ उलन कपड़े। वैसे मेनली मुझे विवान के लिए 2 शू लेना है और यहाँ पे भी थोड़े थोड़े ऑफर हैं बच्चों के भी कपड़े में लाइक जो बच्चों को कुछ कुछ स्वेटर तो अभी आगे मतलब कुछ कुछ दिख रहे हैं कि जिसमें ऑफर अच्छा चल रहा है 30% तक। तो अभी कुछ कुछ देखते हैं अच्छा लगेगा तो ज़रूर लेंगे। तो अभी हम बॉयज़ सेक्शन में आ गए हैं तो इधर शॉक्स दिखा अब आगे चलते हैं। ये शू सेक्शन आ गए अब यहाँ से विवान के लिए मुझे शू लेना है और एक हाउस शू लेना है। और क्या कर रही हो दिया? मुझे काफ़ी शॉपिंग करनी है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने शॉपिंग कर ली विवान के लिए और अदी के लिए अपने लिए डैडी के लिए सबकी शॉपिंग हो गई। 2 बैग फुल हो गए हैं। यहाँ से हम निकलेंगे बेकरी शॉप बंद हो गई मेरा निकलते निकलते क्योंकि मुझे लेट हो गया। तो ये 1 घंटे पहले क्योंकि 8 बजे पूरा मॉल क्लोज होता है बट ये सब 7 में क्लोज हो जाते हैं तो मुझे बिना ब्रेड के लिए ले जाना पड़ेगा तो घर पे फूड बनाना पड़ेगा। बट एनीवे बाय बाय टेक केयर सी।